अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज नमाज का वक्त हो जाता है और परमानेंट जो इमाम होते वो कभी आने में लेट हो जाते हो, तो एक दूसरे शख्स को नमाज दूसरे शख्स को नमाज के लिए खड़ा किया जाता है और इकामत के लिए तकबीर कह दी जाती है और फिर इमाम नजर आ जाते, तो वो क्या शख्स मुसल्ले से वो हट सकता है? वो आपके आपकी गुफ्तगू में दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि किसी मस्जिद का कोई इमाम है और इमाम मस्जिद में आने में इमाम से थोड़ी सी ताखीर हुई 2-4 मिनट, तो ताखीर होने की वजह से किसी और को आगे बढ़ा दिया जाता है इमामत कराने के लिए। यह तरीका गलत है, शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि जब इमाम मुकर्रर है तो इमाम का 2-4 मिनट लेट आना इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, और जमात का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उतने बजे जमात खड़ी हो जानी चाहिए। यह अलग बात है कि इमाम साहब को पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन जो उसको इमाम रातिब कहा जाता है, जब इमाम मुतायन है तो उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे के लिए नमाज पढ़ाना यह जायज नहीं है। इसको कायदे से समझ लें, इमाम मुतायन है जिस मस्जिद का। बहुत सारी जगहों पर यह चीज मैंने भी देखा है कि मस्जिद का कोई इमाम मुकर्रर है, पूरे साल वो नमाज पढ़ाता है, अचानक पता चला मस्जिद में कोई आलिमे दीन आ गए नमाज पढ़ने। अब जितनी पब्लिक है उस आलिमे दीन को आगे बढ़ा देते हैं कि ये बड़ा आलिम है, बड़ी शख्सियत है, इमाम साहब को इग्नोर करो, आलिमे दीन साहब को आगे बढ़ा दो। ये गलत है, ये शरीयत के बारे में शायद या तो अदम जानकारी का नतीजा है, या अगर कोई जानबूझ करके कर रहा था तो और भी गलत। जो इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है कि कोई इमाम जहां पर इमामत कर रहा है उसकी इजाजत के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक इमाम का मर्तबा यहां तक है कि जब इमाम इजाजत देगा तब मुअज्जिन जो है इकामत शुरू करेगा, इमाम की इजाजत के बगैर मुअज्जिन इकामत नहीं शुरू करेगा। अब वो इजाजत चाहे बोल करके दे या पहले से इजाजत दिया हुआ हो कि भाई जब इतना वक्त हो जाए तो आप इकामत शुरू कर दो, ये भी इजाजत है। तो इमाम मुकम्मल तौर से उस मस्जिद का सुल्तान होता है, समझ रहे हैं? इमाम का ये मर्तबा है। इमाम कोई फर्राश नहीं है, इमाम कोई मेहतर नहीं है जो अपने समाज और मुआशरे में इमाम को दर्जा दिया जाता है ना। ऐसे लोग इस्लाम के बारे में, इमाम के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जाहिल होते हैं। इमाम का बहुत बड़ा मकाम है, इमाम का एहतराम कीजिए, और इमाम के एहतराम में ये भी दाखिल है कि अगर इमाम 2-4 मिनट लेट हो रहा है तो इंतजार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत यही थी कि जब अजान हो जाती सारे लोग इंतजार करते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते और आते तब जमात खड़ी होती, नमाज पढ़ी जाती। ऐसी कई हदीसें हैं, कई वाकयात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी ताखिर से आए और लोगों ने इंतजार किया। तो अगर इमाम 2-4 मिनट लेट हो जा रहा है तो इमाम के साथ नौकर और मुलाजिम और खादिम की तरह से बिहेव मत कीजिए। वो नौकर नहीं है इमाम, इमाम मतलब आपका सरदार, दीनी उमूर में आपका सरदार, और इमाम के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि 2 मिनट इमाम साहब लेट क्यों हो गए, आज इमाम साहब बाजार चले गए से उसकी वजह से 2 मिनट लेट हो गए। अरे भाई, जो कौम अपने इमाम की इज्जत नहीं कर सकती है वो कौम अपनी हालत पर क्यों रो रही है? पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं तकरीबन मसाजिद में यही हालत है। इमाम मतलब, इमाम का डिफिनेशन क्या है? समाज का सबसे निचले तबके का आदमी, ये बना लिया गया है इमाम का डिफिनेशन, और उसी का नतीजा है कि इमाम साहब 2-4 मिनट लेट हो गए, किसी दूसरे को बढ़ा दो और बाद में अब इमाम साहब का मुहासबा करेंगे कि 2 मिनट लेट कैसे हुए। भाई इमाम 10 मिनट लेट हो रहा है, इंतजार कीजिए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था। जब दीन के दूसरे मसाइल आप नबी से लेते हो तो इमामत और नमाज और इकामत जमात इन मसाइल को नबी से क्यों नहीं लेते हो? तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था अपने इमाम का इंतजार करो और किसी को आगे मत बढ़ाओ। ये पहला मसला आपके सवाल में। दूसरा मसला यह है कि मान लीजिए कहीं किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर नहीं है, जो भी पहुंचता है नमाज किसी को भी कह दिया जाता है पढ़ाने के लिए, कोई किसी आदमी को आगे बढ़ा दिया गया नमाज पढ़ाने के लिए, अभी जो है इकामत कही गई थी कि तब तक कोई दूसरा आदमी आ गया जो मान लीजिए ज्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा आलिम है या अच्छा जो है कारी है कुरान का,
अब लोग चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ा दें या उससे इमामत करवाएं, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जब तक नमाज शुरू नहीं हुई है तो तब तक ऐसा नहीं है कि अब इमाम मुकर्रर हो गया, अब कोई दूसरा नमाज नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल बदल के किसी दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब उस इमाम, उस मस्जिद का इमाम मुकर्रर ना हो पहले से। इमाम मुकर्रर है तो नमाज वही पढ़ाएगा, जब तक वो इजाजत नहीं देगा तब तक किसी मुतवल्ली को, किसी भी मुतवल्ली को, किसी जिम्मेदार को यह हक नहीं है कि उसकी जगह पर किसी और को आगे बढ़ा दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की मुखालफत कर रहे हैं जिसमें आया है कि किसी के सुल्तान में कोई दूसरा इमामत नहीं करा सकता। और इसकी पामाली तकरीबन तकरीबन बेशतर मसाजिद में इसकी पामाली होती है, और इमाम के साथ क्या सलूक होता है वो हम सब जानते हैं। अल्लाह हुस्तान।